तो हावी है। राम दुआरे तुम रखवारे, होत ना क्या बिन पैसारे। तो सबसे पहले हे दोस्तों नमस्ते, स्वागत है आप सभी का मेरे नए ब्लॉग में। अभी फिलहाल मैं नींद से उठी हूँ। तो आज 22 जनवरी है, तो 22 जनवरी है, तो आज राम जी की प्रतिष्ठा, मतलब उनकी मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है। तो आज सभी, मतलब आज सभी स्कूल को छुट्टी है बेसिकली, उसी वजह से, क्योंकि पूजा वगैरह करनी होती है ना घर पर। तो अभी फिलहाल मैं उठी हूँ, ब्रश वगैरह हुआ ही है मेरा, तो अभी फिलहाल नहाएंगे अच्छे से पूरी तरह से, और उसके बाद जो है हमारे मंदिर को हम साफ़ करेंगे और उसे अच्छी तरह से साफ़ सफाई कर उनकी पूजा हम करेंगे। फिलहाल अभी मैं चाय पी लेती हूँ, वैसे के लिए मैं चाय और दूध दोनों पीती हूँ, तो अभी फिलहाल चाय पी लेते हैं और उसके बाद जो है हम जो है नहाकर पूरे मंदिर की हम तैयारी करते हैं, क्योंकि आज राम जी की प्रतिष्ठा होनी है। तो इतनी तो चेक, मतलब इतनी सारी तैयारी तो अयोध्या में हो रही है, तो थोड़ी बहुत तैयारी हम हमारे घर पर भी कर लेते। तो जय श्री राम। तो चलिए आज की दिनचर्या को हम शुरू कर देते। बेसिकली मेरे आई बाबा जो बाहर खड़े, तो कल जो है हमने जो तूर होती है ना, तो उसके वो जो है निकाल कर लाए थे मेरे आई बाबा, तो वही उसकी जो लकड़ियाँ होती है, तो अभी वो फिलहाल, मतलब धूप महीना चल रहा है, धूप का तो धूप आती है ना, तो ये जो छप्पर का घर है तो उसमें जो काफ़ी धूप लगती है, तो हमारे गाय वगैरह जो छप्पर के वाले, मतलब घर में बंदी रहती है ना, तो उन्हें काफ़ी धूप लग सकती है इस वजह से। तो अगर हम उसके ऊपर लकड़ियाँ रख दें तो उससे जो ठंडा, मतलब रहता है नीचे का पूरा, मतलब रूम, तो इस वजह से जो तूर की जो लकड़ियाँ है तो वो वहाँ पर डाल रहे हैं मेरे भाई, मेरे आई और मेरे बाबा। तो चलिए आपको वो दिखा देती हूँ। मेरी हालत तो इतनी ख़राब लग रही है कि बता ही नहीं सकते। मतलब पूरा, मतलब कल तो इतना सिर दर्द कर रहा था पूरा, इतना पेपर लिख कर आने के बाद, तो मतलब उस हालत में ही नहीं थे कि कुछ करे या कुछ ना करे। तो कल का व्लॉग भी आप लोगों को काफ़ी देर बाद मिला होगा, 8 बजे तो नहीं आया, 8:30 बजे आ जाएगा, तो मैंने अपलोड कर दिया अभी फिलहाल। तो चलिए अभी थोड़ा सा नहाते, अपने हालत को सुधार लेते, चेहरे से तो पूरी थकावट आप लोगों को लग रही होगी, काफ़ी ज़्यादा ही थक गए, तो पूरा दिन उसी में गया है कल सुबह का। तो चलिए आज की दिनचर्या को हम शुरू कर देते हैं। बोर मिटा दूध। सो यहाँ पर अभी गाय फिलहाल खड़ी हुई है, और ये देखिए मेरे बाबा जो है तुराटी निकाल रहे हैं, और जो है मेरे भाई को दे रहे हैं ऊपर की तरफ। सो मेरी आई ले रही है तुराटी बाबा से, और मेरे बाबा की जो, मेरे आई जो है मेरे बड़े छोटे भाई को ऊपर दे रही है तुराटी रखने के लिए, क्योंकि इससे क्या होता है ना, जब धूप काल आता है तो जब हमारी गाय जो छपरे के घर में रहती है तो उन्हें धूप नहीं लगती, इस वजह से उस पर डाल रहे छपरे के ऊपर। ये देखिए मेरा छोटा भाई यहाँ पर जो हमारे गाय का जो सामने का, मतलब जो शेड है, जो जो कि छपरे का है बेसिकली, तो उस पर जो है ये डाल रहा है, ताकि जो धूप का लगे तो हमारे गाय को जो ठंडा, मतलब ठंडा ठंडा सा महसूस हो, गर्म ना महसूस हो। तो चलिए गाय निकली है, तो इन गाय को हम उस तरफ का रास्ता दिखा देते कि ये दूसरी तरफ से जाए, क्योंकि इस तरफ के रास्ते को तो हमारी गाड़ी ने ब्लॉक कर दिया, तो उन्हें जाने के लिए रास्ता नहीं है। और ये जो हरीश आया, इसे दुकान में अभी सामान दे देते हैं, तो ये सामान लेने के लिए आया बेसिकली, सुबह सुबह चॉकलेट खा रहा है ये 1 रुपये देकर मुझसे, अभी मतलब चाय पीने का भी समय नहीं हुआ और ये चॉकलेट ले रहा है मुझसे अभी यहाँ फिलहाल। तो चलिए इसे सामान दे देते हैं बेसिकली, और अभी इसे सामान तो ले लिया इसने, तो चलिए अभी हम चलते हैं बाहर की तरफ। तो हालत तो काफ़ी ख़राब है, क्योंकि अभी नींद से उठी हूँ ना फिलहाल इस वजह से। तो अभी फ़िलहाल हम तैयारी कर लेते हैं, नहाते हैं, और ये देखिए अभी बाहर की तरफ सामान निकालना चालू है, मतलब इतनी सी ही तुराटी रह गई है, पूरी तो अभी तुराटी निकल ही चुकी है। ये देखिए ये हरीश आ गया फिर से, जो उनकी ये उनके घर पर लेकर जा रहा है, उनके मतलब बकरी वगैरह रहती है ना, तो उसके ऊपर डालने के लिए ये तुराटी, मतलब ज़्यादा भारी नहीं रहती, हल्की सी रहती है। तो चलिए इसे उठा कर दे देते और ताकि अपने घर पर ले जा सके। और मेरा भाई तो सारे ऊपर की तरफ डाल ही रहा है तुराटी, आप देख पा रहे होंगे पूरी कुबरी। जहाँ राम का नाम लिया जाए और वहाँ महाबली बजरंग बली का नाम ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। उनकी हनुमान चालीसा में तो ये एक दोहा भी है, राम दुआरे तुम रखवारे, होत ना क्या बिन पैसारे। तो सबसे पहले राम मंदिर में प्रवेश करना हो तो हनुमान जी की याद जो जरूर कीजिएगा। मनोजवम मारुत तुल्य वेगम, जितेंद्रियम बुद्धिमताम वरिष्ठम, वातात्मजम वानरित्य मुख्यम, श्री राम दूतम शरणम प्रभते। तो मेरी पूजा हो चुकी है अभी कंप्लीट। तो चलिए यहाँ पर देखिए माँ वैष्णवी देवी, जैसे कि आपने रामायण देखी होगी श्री सागर जी की, उन्होंने बताया था कि माँ श्री प्रभु ने कहा था, राम प्रभु ने जब वो वापस आ रहे थे अयोध्या, तो उन्होंने माँ वैष्णवी को कहा था कि उन्होंने सीता मैया को वादा दिया है कि वो इस जन्म में सिर्फ एक ही पति व्रता रहेंगे, किसी और से वो शादी नहीं करेंगे। तो उन्होंने वैष्णव माता को कहा था कि आप पहाड़ी पे जाकर स्थान, अपना मतलब स्थान ग्रहण करें, तो माँ वैष्णवी ने, आपको पता है उनका मंदिर। तो मेरी पूजा भी यहाँ पर पूरी फिलहाल हो चुकी है, तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं सारी पूजा भी मेरी कंप्लीट हो चुकी है। सो
अभी दोपहर में हमारे राम जी की प्रतिष्ठा होने वाली है अयोध्या में राम मंदिर में। तो जय श्री राम। सो ऐसे भी था मेरा आज का पूरा दिन। तो आज के व्लॉग में बस इतना ही। मिलते हैं आप सभी से कल। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब जरूर कीजिए, नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दीजिए। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक शेयर करना ना भूलिए। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।